हेलो एवरीवन, और ये है अपनी रेडियोलॉजी की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको अपने फर्स्ट ईयर के सारे इतने भी वाइवा क्वेश्चन जो होते हैं अपने रेडियोलॉजी में वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं अपने थॉरेक्स से। तो देखो, थॉरेक्स में ना सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एक्चुअली में ये होता है। वो आपसे ये पूछते हैं कि ये वाला जो एक्सरे है ना, कौन से अपनी व्यू का अपना एक्सरे। तो टोटल मैं आपको बताऊँ, अपने थॉरेक्स के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू होते हैं अपने एक्सरे के। एक अपना रहता है इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, दूसरा अपना रहता है पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू। अब आप बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अपना इंटीरियर पोस्टीरियर है और कौन सा अपना पोस्टीरियर इंटीरियर है। तो देखो, मैं मेनली क्या अपने क्लेविकल बोन से देखता हूँ, तो आपको अपने इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में क्लेविकल जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। वहीं अगर आप उसके पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू में देखो, तो यहाँ पे आपको क्लेविकल जो है ना स्लाइटली ओब्लिक दिखाई दे रही है। आपको दिख रहा है ना क्लेविकल बोन, तो आप इस क्लेविकल बोन से जो है बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा जो है कौन सा व्यू है। तो यहाँ पर जो है नीचे की तरफ सारे इसके व्यू भी लिखे हुए हैं, और ये जो PDF है जिसमें सारे एक्सरे हैं, ये सब कुछ जो है मेरे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अपना जो फर्स्ट एक्सरे था वो अपना था इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू का, और दूसरा जो एक्सरे था वो अपना था पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू का। और मेनली मैं आपको बताऊँ, अपन मोस्ट ऑफ स्टडीज के लिए, थॉरेक्स के लिए अपन यूज़ करते हैं अपने पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू को। और अगर आप ध्यान से देखो, अपने इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में आपको पूरा यहाँ पे हार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आपको जो हार्ट की शेडो दिखाई दे रही होगी, जो कि आपको पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू में जो है अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे वाइवा में एग्जामिनर पूछता है, वो मेनली आपसे पूछता है रिसेस के बारे में। जो अपने दो रिसेस जो अपने होते हैं ना, कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस और अपना कोस्टो मीडियास्टेनल रिसेस, तो डायरेक्ट आपसे जो है एग्जामिनर बोलेगा कि आप इसमें आइडेंटिफाई करके बताओ। तो मैं आपको बताऊँ, अपने चेस्ट एक्सरे में नीचे की तरफ आपको ये जो रिसेस दिख रहा है, एक्चुअली में ये अपना होता है कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, और ये वाला जो रिसेस है ये अपना होता है कोस्टो मीडियास्टेनल रिसेस। देन इन रिसेसेस के बाद वो जो है एग्जामिनर आपसे फिर आपसे बोन भी यहाँ पे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रही है ये वाली अपनी क्लेविकल बोन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अपनी क्लेविकल बोन है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे रिब्स दिखाई दे रही होंगी। रिब्स के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो साइड में, आपको पूरी ये स्केपला बोन दिखाई दे रही होगी। देन बोन्स के बाद फिर वो डायरेक्ट आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आप जो है यहाँ पे मीडियास्टेनम की शेडो बताओ, कि मीडियास्टेनम की शेडो कहाँ है। तो आपको यहाँ पे MS तो दिखाई दे रहा होना है, पूरा अपना मीडियास्टेनम की शेडो है। देन मीडियास्टेनम की शेडो के बाद यहाँ से वो आपसे जो है अपना जो ट्रैकिया है उसकी शेडो पे पूछते हैं कई बार। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अपने चेस्ट एक्सरे में ऊपर की तरफ ये जो शेडो है, ये जो शेडो है ये एक्चुअली अपनी होती है ट्रैकिया की शेडो। देन उसके बाद जो है एग्जामिनर आपसे यहाँ पे कितनी बार जो है डायफ्राम भी पूछ लेता है कि आप इसमें डायफ्राम आइडेंटिफाई करके बताओ। तो सबसे पहले ये वाला जो एक्सरे है, आप सबसे पहले इसका व्यू बताओ कि कौन से व्यू का है। तो ये वाला जो चेस्ट का जो एक्सरे है ये एक्चुअली में अपना इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू का है, क्योंकि आप क्लेविकल से बिल्कुल पता लगा सकते हो, क्लेविकल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये वाले दो स्ट्रक्चर देखो, तो ये जो है अपना ब्लैक से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों अपने लंग्स हैं। देन यहाँ फिफ्थ नंबर पर जो है ये अपना पूरा हार्ट है। और फिर नीचे की तरफ अगर आप देखो, यहाँ पे आपके फोर्थ वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअली में अपना है डोम शेप का अपना पूरा डायफ्राम है। देन इसी डायफ्राम में आपको पता है अपने राइट साइड में पूरा अपना प्रेजेंट रहता है लिवर का लोब, या आपको राइट साइड में अपने लिवर का लोब दिखाई दे रहा हो, या पूरा लिवर है। उसके बाद ये जो आपको टेंथ जो दिखाई दे रहा है, टेंथ शेडो, ये टेंथ शेडो एक्चुअली में अपना होता है स्टोमक की शेडो, या आपको टेंथ स्टोमक की शेडो दिख रही होगी। देन यहाँ स्टोमक की शेडो के बाद जो अपनी ग्रेट वेसल्स जो होती हैं, याद रखना ग्रेट वेसल्स भी आपको दिखाई देने पड़ती हैं। तो फिफ्थ में अपना हार्ट है। देन हार्ट के ऊपर ये जो सिक्स्थ नंबर जो है, ये एक्चुअली में सिक्स्थ जो है ये अपना एओर्टिक आर्च है। और फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पर ट्रैकिया दिखाई दे रहा है। तो पूरा मैंने आपको जो है अपना चेस्ट एक्सरे बता दिया, और इसे किस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा में एग्जामिनर, मैंने आपको वो भी बता दिया। तो अब अपन देखने वाले हैं अपने अपर लिम का सारा एक्सरे। और ये जो एक्सरे है ये एक्चुअली अपने शोल्डर रीजन का एक्सरे है। तो यहाँ पर देखो, शोल्डर रीजन में सबसे पहले डायरेक्ट आपसे वो बोन पूछते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप बोन देख रहे हो, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये अपने स्कैपुला बोन है। और मैं आपको बताऊँ, अपने रेडियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में आपसे सिर्फ डायरेक्ट एनाटॉमी के ही नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप बोन वगैरह आइडेंटिफाई कर दो, जॉइंट आइडेंटिफाई कर लो। तो ये अपनी पूरी स्कैपुला है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे क्लेविकल बोन दिखाई दे रही है। क्लेविकल बोन के बाद ये जो है अपनी यूमरस है, आपको यूमरस का हेड दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, आपकी क्लेविकल, आपको पता है क्लेविकल किसके साथ जॉइंट बनाती है, अपनी क्लेविकल जो है अपना लेटरल साइड में जॉइंट बनाती है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। तो आपसे एग्जामिनर मेनली इसको पॉइंट आउट करके पूछता है कि आइडेंटिफाई करो इस स्ट्रक्चर को। तो याद रखना ये है अपना ये एक्रोमियन प्रोसेस है। एक्रोमियन प्रोसेस के बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अगर आप यहाँ पे इस तरफ देखो, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ये वाली प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके बताओ, इसका हम बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। उसके अलावा ये जो है अपने यूमरस का हेड है, जो कि अपना बना रहा है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अपना शोल्डर जॉइंट। देन शोल्डर जॉइंट के बाद अब अपन देखते हैं अपने एल्बो जॉइंट को। तो देखो, यहाँ पे एल्बो जॉइंट में आपको सबसे पहले क्लियरली आपसे ये पूछेंगे कि एल्बो जॉइंट कौन सी वैरायटी का जॉइंट है। तो बड़ा ही इजी होता है एल्बो जॉइंट, अपन को पता है अपना हिंग जॉइंट की वैरायटी है। फिर आपसे ये पूछेंगे कि ये जो एक्सरे है कौन से व्यू का है।
तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको यूमरस दिख रहा है, और यूमरस बोन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपना अल्ना है, और अल्ना की ये जो है ये एक्चुअली अपना है ओलेक्रॉन प्रोसेस, जो कि अपना ओलेक्रॉन फोसा के अंदर जा रही है। और आपको पता है अपना ओलेक्रॉन फोसा कहाँ रहता है, वो अपना रहता है पोस्टीरियर साइड में। तो ये जो अपना एक्सरे है ये एक्चुअली अपना पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू का एक्सरे है। तो आपसे क्या कुछ वो व्यू भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये अपना पूरा यूमरस है, देन ये अपना ओलेक्रॉन प्रोसेस है, ये अल्ना है, और इस तरह अपना ये है रेडियस बोन। तो ये अपना पूरा एल्बो जॉइंट हो गया, देन एल्बो जॉइंट के बाद डायरेक्ट आपसे ये वाला एक्सरे का व्यू रख देंगे, और आपसे बोलेंगे कि ये एक्सरे को आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा एक्सरे। तो बड़ा ही आराम से आप उसको बता सकते हो, ये जो अपने रिस्ट का एक्सरे है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको मेटाकार्पल देखने को मिलेंगे, देन मेटाकार्पल के बाद फिर अपने फेरेंजेस हैं, उसके बाद जितने भी हैं ये अपने कार्पल बोन है। देन अब अपन देखते हैं अपने लोअर लिम के सारे एक्सरे। तो देखो लोअर लिम में सबसे ज़्यादा पहला जो आपसे रेडियोलॉजी में क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो डायरेक्ट आपसे इसके हिप जॉइंट पे पूछने वाले हैं। तो आपको क्या इस तरीके से वो पॉइंट आउट करेंगे कि ये वाला कौन सा जॉइंट है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अपना हिप जॉइंट, क्या वो क्लियरली दिख रहा है, ये अपना हिप बोन है और ये अपना फीमर है, और इन दोनों के बीच में अपना बनता है हिप जॉइंट। और हिप जॉइंट में डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं भाई कौन सी वैरायटी है, तो हिप जॉइंट जो है ये अपना बॉल एंड सॉकेट टाइप की वैरायटी है अपने साइनोवल जॉइंट की। हिप जॉइंट के बाद आपको पता है इसके आगे की तरफ एक और जॉइंट होता है, इसे अपन बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, और प्यूबिक सिम्फाइसिस अपना कौन सा जॉइंट बनाता है, वो अपना बनाता है कार्टिलेनियस जॉइंट। देन प्यूबिक सिम्फाइसिस के बाद आपको पता है अपना हिप जॉइंट, अपनी जो आपको यहाँ पे सैक्रम बोन क्लियरली दिखाई दे रही होगी, अब जूम करूँ तो अपना सैक्रम जॉइंट, तो अपना सैक्रम बोन और हिप जॉइंट दोनों मिलकर अपना बनाते हैं सार्को इलियक जॉइंट, जो कि अपना प्लेन वेराइटी होती है सैनोवल जॉइंट की। तो अपने हिप बोन में मेनली आपसे इस तरीके से तीन ये जो है जॉइंट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक अपना हिप जॉइंट के बारे में, एक प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में, और एक अपना सार्को इलियक जॉइंट के बारे में। देन उसके बाद वो डायरेक्ट आपसे कोई भी बोन को आइडेंटिफाई करने को बोल देंगे। तो सबसे पहले अपन हिप बोन देखते हैं। तो आपको पता है इसका हिप बोन का सबसे पहले एक सुपीरियर पार्ट होता है इसका इलियम, इलियम के बाद इसके आगे की तरफ आपको दिखेगा प्यूबिस, देन पीछे की तरफ आपको दिख रहा है यहाँ पे इचियम, देन फिर आपसे जो है ना फीमर में यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये एक्चुअली में अपना है ग्रेटर ट्रोकेंटर, और नीचे की तरफ आपको जो दिख रहा है ये अपना लेसर ट्रोकेंटर है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये वाला अपने ग्रेटर ट्रोकेंटर है, नीचे की तरफ लेसर ट्रोकेंटर है। ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में आपके यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे जो ना इंटर ट्रोकेंटिक क्रस्ट भी दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे आपको पूरा इंटर ट्रोकेंटिक क्रस्ट दिखाई दे रहा है। देन फिर अपन देखते हैं अपने नी जॉइंट का एक्सरे। तो देखो ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है नी जॉइंट में, ऊपर की तरफ अपना टीमर है, फिर नीचे टीबिया है, साइड में आपको फिबुला दिखाई दे रही होगी, तो ये अपना नी जॉइंट का एक्सरे है। उसके बाद डायरेक्ट आपसे हमें व्यू पूछ सकते हैं कि कौन सा व्यू है नी जॉइंट का। तो याद रखना ये जो व्यू है ये अपना इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, साइड में आपको यहाँ पे लेटरल व्यू दिख रहा होगा जिसमें आपको पटेला भी दिख रहा है। उसके बाद डायरेक्ट वो आपसे कुछ नहीं, बोन ही आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी बोन है, आप बोल देना फीमर है, टीबिया है, फिब्रा है। लेटरल व्यू में आपके यहाँ पे पटेला भी दिख जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आपसे यहाँ पे जॉइंट पूछ लेते हैं कि कौन सा टाइप का जॉइंट है। तो आपको पता है अपना ये जो नी जॉइंट, जो अपना हिंग जॉइंट है, अपना साइनोवियल जॉइंट का ही वैरायटी है, जो कि अपना एक तरीके का कॉन्डाइलर जॉइंट होता है। तेरा अपन लोअर लिम का एक और एक्सरे देखते हैं अपने फुट वाले रीजन का। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे सिर्फ बोन आइडेंटिफाई करने के लिए पूछते हैं, और ये दोनों जो है अपने लेटरल व्यू है, ऊपर की तरफ आपको टीबिया दिख रही है, साइड में देखो फिबुला है, देन नीचे की तरफ अगर आप देखो अपने टीबिया जो है टैलस के साथ अपना जॉइंट बनाता है नीचे की तरफ। ये जो है अपनी कौन सी बोन है, ये अपनी कल्केनियम है, और मेनली मैम इसको भी पॉइंट आउट करती है कि इस बोन के बारे में बताओ। तो अब अपन देखने वाले हैं अपने पूरे हेड एंड नेक के सारे रेडियोलॉजी के एक्सरे। तो देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन से व्यू है। तो याद रखना ये जो है अपना स्कल बोन का एक्सरे है, और ये इसका लेटरल व्यू में अपन देख रहे हैं। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो इसके होते हैं एयर साइनसिस के ऊपर। याद रखना लेटरल व्यू में टोटल आपको तीन एयर साइनस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फ्रंटल बोन में एक प्रेजेंट होता है, याद रखना ये जो स्ट्रक्चर है ना ये एक्चुअली में अपना है फ्रंटल एयर साइनस। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैक्सिला में ये अपना है मैक्सिलरी एयर साइनस, और स्पिनोइड बोन में ये जो आपको एक साइनस दिख रहा है ये है अपना स्पिनोइड एयर साइनस। तो मेनली आपसे यहाँ पे साइनस ही पूछता है एग्जामिनर। इस एक्सरे में आपको और क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, अब ये जो है अपनी पूरी फ्रंटल बोन है, देन फ्रंटल बोन में ये जो अपना एयर साइनस है अपना फ्रंटल एयर साइनस है, बीच में अपना ये मैक्सिलरी एयर साइनस है, और ये अपना स्पिनोइड एयर साइनस है। देन इसके बाद अपन को जो शैला टर्शिका जो होता है जहाँ पर अपना पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ये अपना शैला टर्शिका है। देन अब अपन इसका पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू देखते हैं अपने स्कल बोन का। तो इसका पूरा पोस्टीरियो इंटीरियर व्यू है, और इसके अंदर भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है अपने इंटीरियर में ये है अपना फ्रंटल एयर साइनस, और यहाँ पे अपने मैक्सिला बोन में ये अपना प्रेजेंट है मैक्सिलरी एयर साइनस। देन नीचे की तरफ अपनी पूरी ये मैंडिबल बोन है, ऊपर की तरफ अपना मैक्सिला है, और पूरा ये जो है अपनी फ्रंटल बोन है। उसके अलावा एग्जामिनर जो है वो उसके आपके सारे जितने वर्टिब्रा जो होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है, अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। तो टोटल आपने हमें क्लियर दिखाई दे रहा होगा ये जो है अपनी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसको अपन जो है एटलस कहते हैं, देन अपनी सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है,
उसके बाद आपको सारी यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा दिख रही होंगी, और इन सर्वाइकल वर्टिब्रा का ये एक्चुअली दिखाई दे रहा है अपना ट्रांसवर्स प्रोसेस है। और पीछे की तरफ आपको जाना स्पाइन आपको दिख रहे होंगे, मैं अगर आपको ये वाला फिक दिखाऊं तो आपको और से क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये अपना C1 है, देन C2 है, और C2 के एक्चुअली पे जो है अपनी प्रोसेस होती है जिसे अपन बोलते हैं डेंस या फिर ओरिएंटेड प्रोसेस, यहाँ आपको ओरिएंटेड प्रोसेस दिख रही होगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको सबके स्पाइन भी दिख रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आपसे रेडियोलॉजी में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और मैंने आपको देखो मेन यहाँ पे एक्सरे बता दिए और आपको यहाँ पे बोन आइडेंटिफाई करके बता दी। तो देखो तुम कम से कम यहाँ पे बेसिक जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना तुम वो तो कम से कम एग्जामिनर को बता ही पाओगे, तो उससे होगा क्या एग्जामिनर तुम्हें टोटल यू नो फेल तो नहीं करेगा, कम से कम कुछ मार्क्स से तुम्हें देखे ही जाएगा, क्योंकि तुम बस बोन आइडेंटिफाई कर लो एक्सरे में, उसके अलावा तुम उसके जॉइंट बता दो कौन सा जॉइंट है, कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है, और जो नॉर्मल बेसिक फीचर जो होते हैं ना अगर आपने उतना भी बता दिया ना एग्जामिनर को तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है मिल सकते हैं। वीडियो से हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं इसी तरीके से सारी वीडियो लाता रहता हूँ एनाटॉमी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।